कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट इज सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट में जो हम प्यूरी बेबी कंसिस्टेंसी का फूड ले रहे थे, ये उससे कंपेरेटिवली थोड़ा सा ठीक होगा। इसमें जैसे नॉर्मल, जैसे हम लोग नॉर्मल खिचड़ी खाते हैं, उस तरीके से स्टार्ट करना। इसमें आप पोहा ऐड कर सकते हैं, उपमा ऐड कर सकते हैं, मिक्स प्राउट पोहा। इसमें आप नीचे देखें रेसिपी में कैलोरीज और प्रोटीन भी दिया हुआ। कुछ भी स्नैकिंग करते हैं, 100 किलो कैलोरीज तक का स्नैक एक आप इजीली ले सकते हैं। ये सैंपल मेन्यू, इसमें भी देखिए 3 बार प्रोटीन है। डाइट स्टार्ट किया है, यहाँ पे पेशेंट का मिल्क प्रोडक्ट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, पल्सेस स्टार्ट हो जाती है, ये भी प्रोटीन रिच होते हैं, प्रोटीन के सोर्सेज हैं। सो प्रोटीन शेक भी, ये भी जरूरी है। लास्ट इज नॉर्मल डाइट। नॉर्मल डाइट नाम से समझ आ रहा होगा, बेक वेजिटेबल जलफी, एनर्जी 120 किलो कैलोरीज एंड प्रोटीन 10.5 ग्राम। दिस इज अ सैंपल मेन्यू फॉर नॉर्मल डाइट। पहले जो 3 से 6 महीने इसमें बहुत अच्छी तरह से वेट लॉस हो रहा है, उसमें आप पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करिए। और उसके बाद जब आप एक आइडियल वेट पे पहुंच चुके हैं जहां आपको पहुंचना है, तो आप मेंटेन करिए, तो डाइट में प्रोटीन बढ़ा लीजिए या फिर एक बार प्रोटीन जरूर ले लीजिए, जो आपको हमेशा एक्टिव रखेगा। थैंक यू। कोई गाली नहीं मिला, बहुत अच्छा इन्होंने बताया। मैडम आ गई है तो मैडम का एक बार हम फोटो देख लेते हैं। मैंने कल बहुत ढूंढा, ढूंढ लिया एक फोटो, मैंने शायद आप आओगे आज। एक्चुअली इतने सारे मरीज आ रहे हैं, मुझे मुझे देखना पड़ता है कि कौन आएगा, उसका फोटो मैं ढूंढूं, वरना मुझे बोलते हैं कि आपने क्या गंदा गंदा फोटो लगाया हुआ है मेरा। ये ना, ये ही मिला है मेरे को आपका, ये नया वाला है और ये पुराने वाला है, बस यही दिया था आपने मुझे, वो भी पिछका कर। तो 108 किलो से 61 केजी में पहुंचने में दो जॉइंट्स आपके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए। देखिए आज की डेट में ना जो यंग लोग हैं ना, वो तो उनको तो कोई ना कोई मिल ही जाता है खाने वाला, लेकिन एक एज के बाद, आपकी मैं एज नहीं पूछ रहा हूं, आप 61 ईयर हो गए जब सर्जरी कराई थी, तो 58 थी, 58 इयर्स पे आई थिंक इनकी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, इनके हस्बैंड का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, उनकी डॉटर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। उन्होंने उस टाइम देखिए जब फैमिली जो होती है ना, उसको थोड़ा मॉडिफाई होना, उसकी जो स्मेल है वो तो चली जाएगी ना इनके पास, नहीं वो सब सूंघ लेते हैं, लेकिन खाती नहीं। इसका मन तो करेगा कि मैं जाके मैं भी टेस्ट करूं, अब मजा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब तो आप खाइए, किसी का पीस खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो पार्ट होता है उसमें उसकी चीज समझनी बहुत जरूरी है कि फैमिली को भी कि हमें ध्यान रखना है, एक लेवल पे पहुंचना है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, लेकिन उसको हजम करने के लिए एक्टिविटी बंद नहीं करेंगे। तो उनके लिए जोरदार तालियों का ऑपरेशन मिलेगा गवर्नमेंट से, बहुत बिजी है, हां नहीं आई टोल्ड यू दिस आपने कुछ पूछा है कि डाइट पे ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम है, ये सोच रही है और कुछ नहीं है। देखने में लगता है कि जो ये डाइट चार्ट देखे बड़ा मुश्किल है, पर नहीं, बहुत आराम से हो जाता है, पेट भी पूरा रहेगा, कोई वैसे नहीं है जैसे बस पानी का है इनका, कोई स्क्रिप्ट नहीं है इनके पास। अभी सर आपको पूछा, मैडम ने आपकी तरफ इशारा किया,
ये काफी बड़ा डिसीजन है हमारे लिए, तो हम भी पूरा हम पूरा स्टडी कर रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। और पूछिए ना कौन सा साइड इफेक्ट आता है आपके सामने। नहीं अभी तो हम अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं। इनके डाइट चार्ट देख के आपको लगेगा कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हमारा उद्देश्य है इसलिए ही हो जाता है, तो कुछ भी हमारा उद्देश्य है वेट रिडक्शन। अब हम ये देख रहे हैं कि बैरियाट्रिक सर्जरी के अलावा आप बैरियाट्रिक सर्जरी के अलावा हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शन हैं जो कि इस पर्टिकुलर केस में पॉसिबल है और जिनमें मतलब हर कोई चाहता है जिनकी में इस सर्जरी जहां तक हो सके अवॉइड कर ली जाए। अगर जब नहीं हो सकती अवॉइड तो मजबूरी में तो फिर मजबूरी ही होती है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली क्योंकि ना एक्चुअली लोग के मन में जो रहता है वो बाहर नहीं आता है, लोग छुपा लेते हैं बातें कि शायद दूसरा आदमी क्या बोलेगा कैसे कहेगा। तो आप इधर ही रहो, आइए मैडम आप दीजिए आइए। देखिए ये जो आपने बात पूछी है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि 99% लोग के मन में यही चल रहा होता है कि वो पूछते नहीं है, वो ये सोचते हैं कि यार छोड़ो सब क्या सोचेंगे इतने सारे लोग आए हुए हैं कोई क्या बोलेगा। लेकिन ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए जिस आदमी का वजन सिर्फ 15 या 20 किलो अपने वजन से ज्यादा है हम बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, अगर 15 से 20 किलो अपने वजन से ज्यादा है उसको बैरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत नहीं है, वो डाइट और एक्सरसाइज से अपना वजन आराम से कम कर सकता है और मेंटेन भी कर सकता है। लेकिन अगर एक आदमी का वजन अपने वजन से 30 से 35 किलो ज्यादा अगर हो गया है वो डाइट और एक्सरसाइज से अपने लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टडीज कह रही है, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं बहुत सारे पेपर्स हैं मेरे जिसके अंदर हमने स्टडी इंडिया में भी बाहर भी किया, उसके अंदर ये देखा गया है कि एक आदमी 10 से 15 किलो तो वजन कम कर सकता है, अगर आप 100 या 85 तक तो आ सकते हैं डाइट की वजह से, उससे नीचे नहीं जा पाए। तो आपका एक 85 पे आना नहीं है, आपका एक 70 पे या 61 पे आना है, सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस जब हम बात करते हैं कि साइड इफेक्ट या कोई और ऑप्शन, वेट लॉस के तीन ही ऑप्शन है डाइट एक्सरसाइज और सर्जरी लॉस, यही सब मानते हैं। अगर आपके घुटनों में ज्यादा तो एक्सरसाइज तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही हो गई, और जब भी हम आप लोगों से डाइट पूछते हैं तो पता लगता है कुछ है ही नहीं, क्या चेंज करें नहीं करता है, आपने वैसे ही बहुत कम खा रहा है तो खाना बंद तो नहीं कर सकते, खाना तो खाना ही डाइट और एक्सरसाइज पहले से ही आपने कंट्रोल की हुई है, बहुत दोस्ताना है। एक मिनट में एक बात खत्म कर फिर आपके पास प्रोटीन यू डोंट लूज फैट, आपको फैट लूज करना है, आप उनके साथ बैठ जाइए कि शायद वो आपसे कुछ और जानना चाहते हैं। जब आप क्रैश डाइट्स करते हैं डाइटिंग वाला पार्ट और क्रैश डाइट्स नॉट डाइटिंग क्रैश डाइट्स उसके अंदर आप अपना प्रोटीन यूज करते हैं फैट यूज नहीं करते और आपकी बॉडी में कोई हार्मोन चेंज भी नहीं हुआ है कि आपको भूख कम लगे, तो जस्ट वो कब तक रहेगा, एक महीना दो महीना तीन महीना मैक्सिमम छह महीना, लोग वीक हो जाते हैं लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपको खाना बंद नहीं करना है, आपको बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट में प्रोटीन कैलोरीज फैट कार्बोहाइड्रेट बराबर बराबर होना चाहिए, ये मतलब नहीं कि खाली में प्रोटीन ही खाऊं दो तीन दिन तक किडनी में आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, खाली में वेजिटेबल्स ही खाऊं आपको वीकनेस चक्कर आ जाएंगे। ये जो डाइट्स है मार्केट में ये डाइट्स सिर्फ टेंपरेरी है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और जब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ सर्जरी की, अगर अभी आप ऑनेस्टली सोचिए अपने ऊपर की ओबेसिटी से क्या क्या आपको प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम तो आपकी ठीक हो रही है, ज्वाइंट खराब है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड की प्रॉब्लम है, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम है, ये इनको थी सारी, आज कोई मेडिसिन नहीं है डायबिटीज की, थायराइड की कोई मेडिसिन नहीं है, बीपी की कोई मेडिसिन नहीं है, बीपी की कोई मेडिसिन नहीं है, मैडम की सारी डायबिटीज बीपी की मेडिसिन बंद हो गई, लोगों का इंसुलिन बंद हो गया, वो रेशम जो बैठी है पीछे अभी मैं उनको आगे बुलाऊंगा उनके साथ जो लोग हैं। कितना वजन था आपका 110 किलो, अभी कितना है? अभी 70 किलो। 110 किलो उनका वजन था उस टाइम, आप पहचान नहीं सकते थे, मतलब मैं भी पहचान नहीं पाता हूँ, लोग 3 महीने बाद आते हैं कितना चेंज आ गया, जैसे मैडम को नहीं पहचान पाया, इतनी सर्जरी भी हो गई और आज मुझे हैरानी हुई कि कितना चेंज आ गया इनके अंदर। तो इम्पोर्टेंट चीज जो साइड इफेक्ट्स की है, आपको ओबेसिटी के कितने साइड इफेक्ट्स हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं नहीं जानता, जॉइंट पेन है, चूक नहीं सकते, एक तो फिजिकल डिजीज है आपको शुगर बीपी थायराइड जॉइंट पेन
फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम्स, अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आपका पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर ज्यादा है क्योंकि फैट इतना ज्यादा है कि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है अपना ब्लड पंप करने के लिए। ये फिजिकल डिजीज है, लेकिन जो मेंटल और सोशल डिजीज है वो आप शायद किसी से डिस्कस ही नहीं करते। 10 में से 9 लोग बताते हैं अकेले में कि हम डिप्रेस हैं, हर कोई एंटी डिप्रेसेंट्स गोलियां खा रहा होता है, 10 में से 9 लोग खा रहे होते हैं। एक ये शोस मेंटल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो सोशल इफेक्ट, लोग कट ऑफ हो जाते हैं, मैडम ने किसी दर्शन में जाना बंद कर दिया, एक साइंटिस्ट जिसकी जरूरत है वो किसी दर्शन में इसकी वजह से नहीं जा, अपने घर से निकलना बंद कर देते हैं, पार्टीज में नहीं जाते, टॉयलेट पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लोग मेरी प्लेट देखते रहेंगे, खाना तो खाना ही है यार, मेरी प्लेट को देख लो अपनी प्लेट देखो। ये सोशल इफेक्ट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीन इफेक्ट है, मेंटल, सोशल और फिजिकल। और जब आपका वजन बढ़ता है तो तीनों पे ही आपको इफेक्ट आता है, और जब वजन कम होता है धीरे धीरे आपको बहुत मौका मिलेगा इनसे बात करने का, नंबर लगेगा इसके सेशन के बाद दोनों बढ़ गया। जब वेट लॉस होता है तो ये तीनों चीजों में फर्क आता है, फिजिकल डिजीज में तो आता ही है, मेंटल डिजीज में बहुत फर्क आता है। पीपल आर मोर कॉन्फिडेंट, आज जो लोग यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं ना, ये कभी सामने भी नहीं आते, आप नहीं आएंगे मेरे सामने, आप मना कर देंगे, मैडम को इतना कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे अभी बात कर सकती है, आपसे पहले नहीं आती थी। सबसे बड़ा डिफरेंस आ गया, सोशल कॉन्फिडेंस आ गया, कहीं जाने में डर नहीं लगता, अच्छा लगता है। अब आपको कहीं जाना है, एक आदमी ने मुझे, जो हमारे यूएस के पेशेंट है कैनेडा के, लास्ट कैंप में उन्होंने मुझे एक बार मैसेज किया, सर मेरा पैर का साइज कम हो गया। मैंने कहा तो हो ही नहीं सकता, पैर का साइज कैसे कम हो सकता है सर, बता रहा हूँ पहले 9 नंबर में जुदा करता था, 7 तो लगा मैंने, ये नहीं हो सकता है सर, बता रहा हूँ आपको, पैर का जो फैट कम हुआ उनका पैर में जूते का साइज ही कम हो गया। आपके साथ भी हुआ हर जगह, चाहे वो फेस के ऊपर है, चाहे पैरों पे है, चाहे पेट के ऊपर है, चाहे अंदर है। अब हम एक और आपकी कंफ्यूज करते हैं लोग, लाइकोसक्शन विद वेट लॉस सर्जरी। जब भी वेट लॉस सर्जरी की बात आती है लोग कहते हैं लाइकोसक्शन कराना है, तो लाइकोसक्शन जो है वो बॉडी कंट्रोलिंग सर्जरी है, उससे वेट लॉस नहीं होता। अगर आपके एक एरिया पे फैट ज्यादा है तो उस एरिया का फैट आपका निकल सकता है, लेकिन आपकी डाइट में कोई चेंज नहीं है, ना आपकी कोई बीमारी जानी है, ना शुगर जानी है, ना बीपी जाना है, और 2-3 महीने बाद आपका फैट वो वापिस आ जाएगा, वो जाएगा नहीं, इट विल कम बैक अगेन, इररेगुलरिटी और हो जाएगी आपके पेट के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है वो यही है कि जो साइड इफेक्ट है ना आपके मोटापे के, फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये तीनों ठीक होने हैं। और जब आप रिस्क की बात करते हैं, रिस्क कितना रिस्क है, ऑपरेशन में क्या होगा, आजकल क्या हो रहा है कि मीडिया को ना थोड़ा ओबेसिटी से और बैरियाट्रिक सर्जरी से बहुत ज्यादा लगाव हो, पूरे इंडिया में कहीं पर भी कुछ भी होता है नेगेटिव वो न्यूज में भी आ जाता है, पेपर में भी आ जाता है, लोग गड़ जाते हैं। 1,000 लोग अगर सर्जरी कराते हैं ना, 900 लोग तो बताते ही नहीं है किसी को भी मेरी सर्जरी हुई है, 900 पीपल किसी को नहीं बताते मेरी सर्जरी हुई, खासकर जो यंग फीमेल है, शादी होने वाली है, हमारे यहाँ स्टिग्मा है कि शायद बता दिया तो मैरिज नहीं होगा। 1,000 में से 900 लोग तो बताते ही नहीं उनका वेट लॉस कैसे हुआ, मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने वो वेट लॉस वाला ना वो डाइटिशियन से डाइट चार्ट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब किसी को फीवर भी आता है ना तो फेसबुक पे अपडेट डालते हैं फीवर हो गया मैं बीमार हूँ, इतना बड़ा डिसीजन हमने लिया, अपनी लाइफ चेंज हो गई, लोग छुपाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जितने लोग आते हैं सब हम खुल गए, कोई छुपाता नहीं है, लोगों को बताते हैं कि हमने ये सब किया है, जिसकी वजह से हम ऐसे हो गए जिससे बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले। तो 900 लोग तो बताते ही, अब जो 100 लोग रह गए उसके अंदर से 75-80 जो लोग हैं वो बेसिकली कुछ कुछ बताते हैं, हाँ मैंने कुछ सर्जरी कराई थी, वो लाइको की तरफ चले गए, मैंने लाइकोसक्शन कराया, यहाँ से फैट निकलवा ली, यहाँ से फैट निकलवा ली, कोई दिक्कत नहीं। तो 80 लोग सर्जरी गलत बताते हैं, और जो 20 लोग रह जाते हैं जो यहाँ पर वो बताते हैं कि हमारी सर्जरी हुई है। और जब इन 1,000 में से किसी एक को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो मीडिया में हर जगह आ जाते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप जो कह रहे हैं ना कि अभी हम सोचेंगे, हम डिसाइड करेंगे, डिसीजन इज योर्स, लेकिन जब भी कोई सर्जरी कराता है वो ये कहता है कि सर मैंने अपनी लाइफ के 10-15 साल खराब कर दिए। आज हमारे एक पेशेंट ऑस्ट्रेलिया में है, उन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ इसलिए मैं नहीं आ पाया। शी वॉज 125, नाउ शी इज 83 केजी, 40 केजी उनका वेट लॉस हो गया। उनके हस्बैंड है जो एसएलबी वर्ल्ड के एडिटर है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर डिजिटल मैगजीन इन द वर्ल्ड, उन्होंने
उन्होंने कल मुझे फोन भी किया था कि सर मैडम नहीं आ पाएंगे यार, क्योंकि शी इज ऑस्ट्रिया, जो उनका ड्रीम था जाने का, कभी जा नहीं पाएंगे, लेकिन आप सर्जरी के एक साल बाद चली गई। 125 से शी विकेट 83 कीजिए, 64 इयर्स की एज, शी कुड डू व्हाट शी कुड नॉट डू फॉर सो मेनी इयर्स। एक और हमारे पेशेंट है, उनका एम था कि मुझे दुबई जाना है, उनका वेट भी 128 केजी था, अब वो 80 केजी भी है, शी वेंट टू दुबई लास्ट ईयर। तो ये जो सोशल और मेंटल है, उनको लगा कि मैं जाऊंगी बच्चों के साथ, ये तो देखते ही निकल जाएंगे, मेरे को कौन पकड़ेगा, मैं कहाँ बैठूंगी, मेरे को नहीं जाना। और अभी एक और हमारे पेशेंट है जिन्होंने अभी ट्रिप प्लान किया कि ऑस्ट्रेलिया में, तो आप ये सोच सकते हैं कि जो एक ये वो क्या बोलते हैं हमें आगे, सर किसी ने पहले क्यों नहीं बताया मुझे, तो 10 साल हम ये परेशानी में नहीं रहते, वो 10 साल के आराम से निकालते अपने अगर किसी ने पहले बता दिया होता। ये चीज पेशेंट ही आपको आपके हमको बताते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, सही बात है आपकी बात। कितने साल आप और परेशान रहे जो नहीं रहना चाहते, 7 इयर्स तक जॉइंट पेन लेके चलते, अगर एक काम 7 साल पहले हो जाता तो आज पता नहीं वो 7 साल और एंजॉय किया होता। और कुछ चीज आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, फिर हम एक्सरसाइज वाले पार्ट में जाएंगे, डाइट वाला पार्ट हमें सबको बता दीजिए। आप कुछ बोल रहे थे, मैंने रोक दिया, प्लीज आप बोलिए। मैं आपकी बात को सब्सटेंशिएट करना चाहती थी कि मैंने BLCC भी ज्वाइन किया था, मैंने जिम भी ज्वाइन किया था, इसके अलावा जो आयुर्वेदा वाले कैप्सूल्स थे वो भी किया था, और लेकिन मेरी मतलब कहीं पे भी सक्सेस नहीं, थोड़ा लूज होता फिर वापस आ जाता, और आयुर्वेदिक कैप्सूल्स इतने हार्मफुल थे कि एक दिन तो बिल्कुल मैं कलैप्स हो गई थी, मेरे हस्बैंड भी थे और हम लोग को फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ा। तो ये सब करके और उसके बाद जब इनसे मिली हूँ तो मेरे को लगा कि दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से, जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो जब आप साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो छुपाइए नहीं, जो भी चीज आपने करी है सब बता दो, डोंट हाइड एनीथिंग। ये मुझे आज पता लगा वैसे, क्योंकि आप ये बोल रहे तो मेरे को याद आ रहा था, मैंने ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली इन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो शायद दिमाग से स्किप कर। आप कुछ पूछ रहे हैं? सर मुझे पूछना है कि जो प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे कि प्रोटीन लेना है, सर्जरी के कितने दिन बाद प्रोटीन शुरू हो जाएगा? उसके अंदर हम जो हमारा प्रोटीन आता है उसके ना 6 स्कूप्स के अंदर 10 या 12 ग्राम होता है, तो अगर आप 4 स्कूप ले लेते हैं तो 50 ग्राम तक पहुंच जाता है, 40-50 ग्राम से। क्योंकि ये कहते हैं कि जो प्रोटीन है उसको उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता और हम ले नहीं पाते। नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि काफी कंपनी होती है, किसी किसी का अच्छा लगता है किसी का नहीं, तो एक स्कूप में कितने ग्राम प्रोटीन होना चाहिए और कौन सा प्रोटीन सबसे बेस्ट है? नहीं आपको नहीं करना, पीछे तो प्रोटीन वाले देखिए। इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अभी आपने बोला अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है प्रोटीन, बाकी सर्जरी के बाद तो जूस पीना ही है, लेकिन हमारी सर्जरी के बाद जूस पीने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन लेना है, क्योंकि लोगों का कंफ्यूजन है इस सर्जरी में और सर्जरी में अलग है। जो प्रोटीन है वो हम 2 स्कूप से शुरू करते हैं, फिर 4 स्कूप पे जाते हैं, 6 स्कूप पे जाते हैं, और एक हफ्ते बाद 6 स्कूप दिन में 4 बार हो जाते हैं, तो लोग 4-5 दिन में डब्बा पूरा खत्म कर लेते हैं। ये कितने का होता है, क्या प्राइस है? 620। और कितने ग्राम का है? 400। और इसमें हेयर फॉल भी होते हैं सर्जरी के बाद? नहीं नहीं, सर्जरी के बाद आगे 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 मैडम यहाँ पर छुपी हुई दिखाई नहीं देती ना, वेट बहुत कम हो गए। इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, किसी भी चीज से तो हेयर फॉल उसके साथ
एंड द मोस्ट हेल्पफुल थिंग इज प्रोटीन. तो जो आदमी प्रोटीन नहीं लेना चाहता है या अवॉइड करने की कोशिश करता है उसको हल्की फुल्की वीकनेस करती है, उसका हेयर फॉल होता है और उसके फेस पे ग्लो नहीं आता. जैसे उनके फेस पे ग्लो आएगी है, उसके फेस पे ग्लो है और जो हेयर फॉल होने की वजह से तीनों का काम प्रोटीन है. इसलिए प्रोटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये थोड़ा थोड़ा शुरू करता है. समझे ये तरीका से जी ये तो थोड़ी स्वेलिंग आ रही है जी. ये कैंप के बाद बात कर लेंगे. इस कैंप पे हम ये बात नहीं कर सकते जो हमारे से रिलेटेड वही बात है. जो सेकंड चीज इंपॉर्टेंट आती है कि अगर हम सर्जरी से पहले वॉक नहीं कर पा रहे थे तो सर्जरी के बाद हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं. जिसके जॉइंट में पेन है वो कौन सी एक्सरसाइज कर सकता है और जिसके जॉइंट में पेन नहीं है वो कौन सी एक्सरसाइज कर सकता है, कब कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है. डॉक्टर निशांत उसके बारे में हमें बताएंगे. डॉक्टर निशांत हमारे हॉस्पिटल के वन ऑफ द पिलर्स है. जब हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था तब से डॉक्टर निशांत यहाँ पर Good afternoon, all of you. Physiotherapy, bariatric surgery से पहले हमने last time muscle toning exercise ली थी और exercise related to bariatric ली थी. उसमें किसी को doubts हैं? जिसको भी जाननी exercise वो as a subject आ सकता है यहाँ पर. जिसको भी जाननी है. हाँ जी, आप late हो गए थोड़ा सा. जनता टीवी वाले लोग भी आ गए ना साहब. आपने सेलेक्ट कर देखिए पोस्ट ऑफ बैरियट्रिक में जब पेशेंट आईसीयू में होता है सबसे पहले उन्हें ब्रीदिंग का वर्कआउट करते हैं. ब्रीदिंग में नाक से सांस लेके मुंह से सांस छोड़ना. इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं इंसर्टेड स्पायरोमीटर ये आप सब लोगों ने देखा ही हुआ है. कहने को ये बॉल्स हैं मगर आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. एक साइड में मुंह से सांस छोड़ना और इसको फिर टर्न करके सब करना. इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बनी रहती है और ये एक्सरसाइज आपको लाइफ लॉन्ग करते रहना है आपके लंग्स की कैपेसिटी के लिए. जब आप नाक से सांस लेके मुंह से सांस छोड़ते हैं तब एंड ऑफ द एक्सपिरेशन छोड़ते हुए डायफ्राम पर आपको हल्का सा प्रेशर लगाना है जिससे एयर जो लंग्स के अंदर है वो बाहर निकले और एक्सेस ऑफ एयर जो फ्रेश एयर है वो लंग्स के अंदर जाए. शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, रेंज ऑफ मोशन ये शुरुआत में ही सर्जरी के दिन के नेक्स्ट डे से आप शुरू कर सकते हैं. डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग डे 2 टू डे 15 में बेड साइड सिटिंग क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आपको दिखाई थी और वॉकिंग इन द कॉरिडोर आप स्टार्ट कर सकते हैं. 4 वीक्स आफ्टर द सर्जरी 45 minutes of exercises, posture improvement, abdominal or gluteal muscles की strengthening, quadriceps यानी knee की strengthening और आपके shoulder की जो muscles है उसकी strengthening आपको करानी है.
मैडम इस बैंड कर लीजिए आप चाहे तो स्पेस दे सकते टोटल स्क्वीज में जैसा आप देख रहे हैं पिक्चर आपको अपने हिप रीजन को अंदर की तरफ स्क्वीज करना है इसको अच्छे से स्क्वीज कीजिए फिर रिलैक्स कीजिए आपका जो ग्लूटल रीजन है इसको अंदर की तरफ आपको ऐसे खींचना है फैंटास्टिक इसी तरीके से जहाँ जहाँ भी स्किन लूज होगी वो सैग करने लगेगी लटकने लगेगी उसको टोन अप करने के लिए आपको सारे की सारे एक्सरसाइज करनी है रूटियल स्क्वीज में रूटियल रीजन को अंदर की तरफ खींचना है आपको खींचे रिलैक्स फैंटास्टिक आपको अपने ग्लूटल फोल्ड्स को अंदर की तरफ खींच के उसको रिलैक्स करना है खींच के रिलैक्स करना है धीरे धीरे आप इसे इनिशिएट कर सकते हैं शुरू में 10 से 15 बार और धीरे धीरे आप इसे 30 टू 40 काउंट्स तक भी लेकर आ सकते हैं एब्डोमिनल आइसोमेट्रिक्स लेटे लेटे पेट को अंदर की तरफ खींचे स्क्वीज रिलैक्स स्क्वीज रिलैक्स स्क्वीज रिलैक्स ये सिर्फ आपकी मसल को टोन नहीं करता बल्कि आपकी बॉडी के बैलेंस को भी बेटर करता है आपको गिरने से रोकने के लिए इस मसल की बहुत जरूरत होती है अगर ये वाली मसल स्ट्रांग है तो आपकी पूरी बॉडी के बैलेंस के लिए हेल्पफुल है कुछ एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप पढ़ने के साथ भी कर सकते हैं उनमें से ये है ये एक्सरसाइज आप पढ़ने के साथ भी कर सकते हैं सडन एक्सरसाइज जो आपको हर्निया या आपको लंबा डिस्क या और कोई स्पाइनल प्रॉब्लम्स है उसमें नहीं करनी है बट ये एक सेफ एक्सरसाइज है अगर चाहे तो ये कर सकते हैं तीसरे एक्सरसाइज में आपको एडक्टर स्क्वीज पिलो या सॉफ्ट बॉल को नीज के बीच में रखे इसे दबाइए रिलैक्स और दबाइए रिलैक्स इससे आपकी जो थाई की मसल्स हैं जो अंदर की जो लूज हो जाती हैं वो टोन अप होती है पिलो रख लीजिए या सॉफ्ट बॉल रख लीजिए या आप पिलो को फोल्ड करके इसके बीच में रख दीजिए स्क्वीज रिलैक्स स्क्वीज रिलैक्स जिन लोगों को यूरिनरी इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम होती है वो भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं उससे इसमें भी बेटरमेंट होता है एक्सरसाइज आपको एक बार लेटर बता देते हैं उसके बाद जो सिटिंग होगी वो बाद में बताएंगे दोनों लेग स्ट्रेट कर लीजिए पैर उठाइए ऊपर 45 डिग्री का एंगल बना के रखना है आपको और पंजे को अपनी तरफ खींचना है एंड होल्ड इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स 8 तक ठीक था उसके बाद हिलना शुरू होगा आपने देखा था ये शो कर रहा है कि 8 तक आपकी कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड आपको दिक्कत आ रही है शुरू में 1 भी था 8 कीजिए नेक्स्ट वीक 9 10 10 पर आ जाइए 10 10 काउंट्स के 3 टू 4 सेट्स 2 टू 3 टाइम्स इन अ डे आप कर सकते हैं और जिनको कोई इश्यूज 6 में ही दिक्कत आ रही है वो 6 में नीचे कर लीजिए डोंट गो बियॉन्ड द पेन एंड स्ट्रेस दर्द और थकान इन दोनों के बियॉन्ड नहीं जाना आपको अपर लिप एक्सरसाइज के लिए हम आप ही को बता दें
बेसिकली ये थेराबैंड के साथ की जाने वाली एक्सरसाइजेस हैं। इसमें थेराबैंड को आपको होल्ड करना होता है, बैंड को जिस तरह से आप देख रहे हैं ऐसा पकड़ के, बेसिकली आपने एक रोप ले रही है, रोप लेके बैंड ने पार्ट में दूसरे पार्ट को ऊपर करना है और नीचे करना है, ऊपर करना है और नीचे करना है, और फिर पीछे रखना है बैंड को, ऐसे करना है वैसे। तो ये जो आपका एरिया तो लूज हो जाएगा, ये इसकी टेक्निक है। अगर आपके बैंड नहीं है तो आप बुक भी ले सकते हैं, एक बुक लेके भी आप ऐसे कर सकते हैं और पीछे से कर सकते हैं। पिक्चर देखिए, थेराबैंड को इस तरह से होल्ड करके है जैसे उसको साइड से उठाना। नेक्स्ट, इस तरह से पीछे पैर रख के ऊपर की तरफ करना, इससे आपके यहाँ का जो हिस्सा होता है जहाँ की मसल्स लूज और सैग करने लगती हैं, ये टाइट होने लगेगी। आपकी बाइसेप्स की यहाँ वाली मसल्स लूज होने होती है, इसको होल्ड करके इस तरह से इसकी मूवमेंट कराना। 6 वीक के बाद कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, हिप स्ट्रेंथनिंग और स्पोर्ट्स एंड एडवांस रेजिस्टेंट एक्सरसाइज। ये वो एक्सरसाइज है अगर आपको हर्निया है या डिस्क प्रोलैप्स है या आपके स्पाइन के अलाइनमेंट में कोई इश्यूज है, तो आप बिना अपने क्लिनिशियन की एडवाइस के बिना ना करें, क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस एक्सरसाइज आ जाती है। साइक्लिंग, ये आपकी स्पाइन के लिए एक्सरसाइजेस हैं। पीछे आइए, हिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। आपने देखा हो कि जब वेट लॉस होने के बाद, चलने के बाद भी आपका जो पोस्चर है उसमें वेडलिंग वाला पार्ट रहता है कुछ टाइम तक, क्योंकि आपकी मसल्स काफी वीक होती हैं। उनको स्ट्रेंथन करने के लिए साइड लाइन में लेटकर, एक साइड में लेटेंगे, लेकर एक नी को बेंड कर लीजिए नीचे वाली को, इसको स्ट्रेट रखिए और आप उठाइए। आप जितनी स्पीड से आ रही है उतना इफेक्ट नहीं आएगा आपको, स्लो जाइए। पैर को न्यूट्रल कीजिए और थोड़ा सा पीछे कीजिए, अब धीरे धीरे उठाइए एंड स्लोली ब्रिंग इट डाउन। कैन यू फील द डिफरेंस नाउ? अब आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर आप स्पीड से करेंगे तो 100 टाइम्स करने में भी उतना इफेक्ट नहीं आएगा, कितना स्लो जाने में आएगा। गो स्लो, कम स्लो, अभी भी फास्ट है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि जब तक आप स्लो नहीं करेंगे आपको उस एक्सरसाइज का इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट के लिए जरूरी है कि आप उसको स्लो करें। दोनों एल्बोज अपनी स्पाइन के लिए, दोनों हाथ सामने रख के स्पाइन को आर्च करना, ये आपकी स्पाइन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। मगर इसमें भी मैंने आपसे कहा अगर आपको कोई इश्यू है तो आप जब तक कंसल्ट ना करें तब तक ये एक्सरसाइज ना करें। धीरे-धीरे करना, दोनों हाथों को थोड़ा सा करके, जस्ट गिव अ लिटिल स्ट्रेच। आपने हिप उठा रखा है, हिप को नीचे, दैट्स ऑल, रिलैक्स, इनफ 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 नाउ, टाइट, रिलैक्स। एक बार पैर उठा के हम आपको एक एक्सरसाइज बता देते हैं। सारी एक्सरसाइज आपके ऊपर थोड़ी थकावट शुरू हो गई है। जो नी के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है वो सिटिंग में स्पाइन को सीधा रख के बिल्कुल एक पैर को ऊपर उठाइए, स्पाइन को सीधा रखना और पंजे को अपनी तरफ खींचिए एंड होल्ड इट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ग्रेट। आप आगे आइए, ऐसे ही लेफ्ट साइड में आप कर सकते हैं, इससे आपकी नी की मसल स्ट्रेंथन हो जाएगी। जितने ज्वाइंट में पेन है उनकी नी मसल बड़ी वीक हो जाती है, तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इफ देयर इज एनी पेन या आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, कोई भी पेन या डिस्कम्फर्ट होता है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट बिफोर डूइंग दैट एक्सरसाइज। In case of treadmill breathing, don't start with treadmill running, breathing difficulties without a doctor's consent. Last, I would like to say thank you. Cycling, you can do cycling. 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 You
कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके नी अटक रहे हैं और बोल नहीं रहे हैं तब तो आपको साइकिल में दिक्कत आती है, वरना ऐसे कोई बात नहीं। मैं बोल तो उसके साथ आर्थराइटिस के साथ आई जाए बच्चे प्लस आफ्टर द सर्जरी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए आपको एक्सरसाइज मस्ट है। Any doubts? दो पार्ट हमने बहुत ही तरह कवर कर लिए, डाइट और एक्सरसाइज। जो थोड़ा लेट हो गए, कुछ चीजें मिस हो गई हैं तो फेसबुक पे जो लाइव आप दोबारा से देख सकते हैं, रिकॉर्डेड है पूरा। और जो इम्पोर्टेंट चीज कुछ आप जानना चाहते हैं मेरे से, कुछ स्पेशल चीज के लिए उस पर आप जो आप सब जानना चाहते हैं, आपने कुछ नहीं पूछा बेटा। अगर आपको डायबिटीज है तो उससे अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो वो बेटर हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज बहुत सीधे कंट्रोल हो जाता है। नहीं, वैसे चश्मा लगाओ मैं तो एक्जैक्टली कोई अभी तक कोई रिकॉर्डेड या कोई ऐसी चीज नहीं है कि खराब होता है या बेटर होता है। किसी ने हमें बताया नहीं, ना हमने कभी चेक किया है, ना किसी ने हमें ये नहीं बोला कि हमारी आईसाइट खराब हो गई है सर्जरी के बाद, ऐसा किसी के साथ भी नहीं है। बेटर होती है नहीं होती है इसके बारे में कोई डेफिनेटिव साइंटिफिक सक्सेस रेट के ऊपर सक्सेस रेट एक आपने क्वेश्चन पूछा, आपने जो आपके क्वेश्चन है ना मेरे पास बहुत डाटा है तो मैं वही चीज डिस्कस करूंगा जो आप जानना चाहते हैं। मैं अपनी मर्जी से कुछ ही बोलता रहा हूं, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। बड़े सक्सेस रेट की बात है, आपकी बात है, आपने क्या कुछ जानना है, आपने कुछ जानना है, आपने कुछ जानना है, सिर्फ सक्सेस रेट है। Nicht.